हाय गाइस, तो ये वाला लेक्चर जो है वो है यूनिट डिजिट फाइंड करने पे, ठीक है ना। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कोई गिवन नंबर होगा और उसकी आपको क्या बताना होगी, यूनिट डिजिट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, और ये जनरली आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता ही है या फिर इसका यूज़ हो रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझना, आराम से समझना, हो सकता है बीच में आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो, इसलिए आपको करना पूरी चीज़ अच्छे से नोट करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे को ऐसा कोई नंबर गिवन है, ये मेरा एक नंबर गिवन है और मैं इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा हूँ, तो क्या आप बता सकते हो? बहुत इजीली बता सकते हो आप, है ना। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 7, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में नहीं आना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना आप कि क्वेश्चन आपको इस टाइप के तो नहीं आएंगे कि आपको बस एक नंबर गिवन है और आपको आपसे उस नंबर का यूनिट डिजिट पूछ लिया। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होगे उसके फॉर्म में, है ना, एक्चुअल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होगे। जैसे कि 7 की पावर 143, अगर ऐसा कोई नंबर आ गया तो आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट पूछना एक बहुत ही वैलिड है, ठीक है ना, क्योंकि एकदम से आप कर नहीं पाओगे। तो फिर इसका कोई प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर अप्लाई करोगे, उसके बाद ही आप इसका यूनिट डिजिट फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आएगा, क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इस केस में यूनिट डिजिट निकालते वक्त सिर्फ मुझे यूनिट्स प्लेस से मतलब है ना, बाकी प्लेसेस से कोई मतलब नहीं है, ना टेंस प्लेस, ना हंड्रेड्स प्लेस, ना थाउजेंड प्लेस, इन सब से कभी कोई मतलब नहीं होता। किससे मतलब होता है? सिर्फ यूनिट्स प्लेस से, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक और टाइप का कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए ऐसा कुछ दे दे, 1 factorial 2 factorial 3 factorial, अब 200 factorial, तो इसका सम भी आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, हाँ, तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए आपको आ सकता है ना, एक मेथड अप्लाई हो रही होगी, ठीक है ना। हाँ, तो अब यूनिट डिजिट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखा है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, अब देख लेते हैं कि मेथड क्या हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है कि यूनिट डिजिट ऑफ किसी भी नंबर का, है ना, वो होता क्या है एक्चुअल में, वो होता है नंबर को 10 से डिवाइड करना और उसका रिमाइंडर बताना, ठीक है। ये होती है कंडीशन, किसी भी नंबर को मैं 10 से डिवाइड करता हूं और जो रिमाइंडर आता है वही मेरा क्या होता है, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर पा रहे हैं और उसका यूनिट डिजिट बता पा रहे हैं, उसका रिमाइंडर बता पा रहे हैं, तो वही उसका यूनिट डिजिट होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट्स प्लेस का रोल होता है, बाकी प्लेसेस का रोल नहीं होता। इसका मतलब कि यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 143 इसका चेक करूं या फिर यूनिट डिजिट ऑफ 17 की पावर 143 या फिर यूनिट डिजिट ऑफ 317 की पावर 143, इन तीनों का यूनिट डिजिट कैसा होगा? सेम होगा, क्योंकि इनका यूनिट प्लेस कैसा है, सेम है, 777, बाकी प्लेसेस से मेरे को मतलब नहीं होता। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इतना समझ में आया, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें थी, ठीक है। इसके बाद में अब मुझे ये देखना है कि मैं इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आ जाए, इस टाइप का प्रॉब्लम, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ठीक है। तो ये एक एक्चुअली इस तरीके से लिखा हुआ है कि किसी नंबर की पावर कुछ लिखी हुई है पी, ठीक है।
तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली स्टेप, स्टेप नंबर वन। अब देखिए, देखने में आपको ये काफी लेंदी लगेगा, लेकिन जब आप प्रॉब्लम स्टार्ट करना चालू करोगे तो ये बहुत इजीली होगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रोसीजर बहुत लंबा है या ये तरीका बहुत लंबा है। तरीका लंबा नहीं है, लिखा हुआ है बहुत डिटेल्ड में, है ना। लेकिन आप जब इसे एक बार याद कर लोगे, एक बार आप इससे फैमिलियर हो जाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग फटाफट करने लग जाओगे, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या है, आपको चेक करना है यूनिट डिजिट, एन का यूनिट डिजिट, है ना। अब एन यहाँ पे 7 दिया है, तो 7 का यूनिट डिजिट तो 7 ही है, लेकिन 17 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7, या 317 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 7। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा क्या, जो भी नंबर दिया है उसका यूनिट डिजिट चेक, ठीक है। ये है मेरी पहली स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर दो, आपको क्या पता करना है इसकी साइक्लिसिटी, किसकी साइक्लिसिटी, यूनिट डिजिट की, किसकी, एन की। तो फाइंड इट्स साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी क्या होता है, तो साइक्लिसिटी और देख लेते हैं। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि कितनी पावर्स के बाद में यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हो रहा है ना, ठीक है ना। देखो लिख के बता देता हूँ पहले तो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, कितनी पावर्स के बाद में यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हो रही है, ठीक है। अभी हो सकता है ये आपको समझ में नहीं आया हो, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे 2 लिखा है, मेरा क्या है एग्जाम्पल 2, तो 2 की पावर 1 वो कितना होता है, उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 2, ठीक है। अब 2 की पावर 2 उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 4। 2 की पावर 3 उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 6, ठीक है। अब 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए 2 की पावर 5 की जरूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट है 6, इसी में 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ और जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट वही यूनिट डिजिट होगा जो 2 की पावर 5 का होगा, ठीक है ना। तो 6 आया है, 6 में 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, तो 12 का यूनिट डिजिट कितना, 2, है ना। और 2 की पावर 5 होता है 32, उसका यूनिट डिजिट भी कितना, 2। तो 2 की पावर 5 का भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे ही 2 की पावर 6 का भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो। तो इसकी साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की है। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद में फिर से पावर्स की यूनिट डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसा करके रिपीट होते जा रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 4, ठीक है। तो टोटल मेरे पास में कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। तो मेरे को उन सब की साइक्लिसिटी पहले लिखना होगी, ठीक है। तो साइक्लिसिटी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ साइक्लिसिटी, ठीक है, और इधर नंबर्स, ठीक है ना। तो साइक्लिसिटी 1 हो, मतलब कि पावर्स में कितनी भी लूँ उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा। ऐसे नंबर होते हैं 0 1 5 6। साइक्लिसिटी 1 होने का मतलब ये है कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा आपका, नंबर क्या होंगे, जैसे 0 1 5 6, इनकी कोई भी पावर लूँ मैं तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, यही का यही होगा। 0 की पावर कितनी भी, इसका यूनिट डिजिट 0। 1 की पावर कितनी भी लूँ उसका यूनिट डिजिट कितना, 1। 5 की पावर कितनी भी लूँ उसका यूनिट डिजिट कितना, 5, ठीक है। अगला साइक्लिसिटी 2, तो साइक्लिसिटी 2 होगी, ऐसे नंबर्स होते हैं 4 और 9। तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 कितना, 16। तो यूनिट डिजिट कितना, 6। अब 4 की पावर 3 लेता हूँ तो वो 64 आता है,
जिसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, वापस 4 है ना, और फिर से 6। तो ऐसे दो 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 पावर होती हैं जिनका यूनिट डिजिट डिफरेंट आता है, बाकी सब क्या होते जाते हैं, रिपीट होने लग जाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही साइक्लिसिटी क्या हो, मेरी 4 हो, तो ऐसी साइकिल, ऐसे नंबर्स के कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 7 और 8, ठीक है। तो ये मेरा है मतलब साइक्लिसिटी और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे नंबर्स, ठीक है। हाँ, होपफुली साइक्लिसिटी आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। साइक्लिसिटी में क्या हो रहा है, कितनी पावर्स के बाद में यूनिट डिजिट मेरा क्या फिर से रिपीट हो रहा है, यही बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल डिजिट्स मेरे ये होते हैं, है ना, उसके हर किसी के रिस्पेक्ट में आपको उनकी साइक्लिसिटी मिल रही होगी। तो स्टेप 2 क्या था, मुझे फाइंड करना था साइक्लिसिटी को, ठीक है। अब स्टेप 3 मुझे क्या करना है, जो मेरा नंबर था ये इसे ये वाला, ठीक है, इसमें नंबर की जो पावर है ना, उस पावर को डिवाइड करना है, पावर को डिवाइड करना है ना, किससे, साइक्लिसिटी से, ठीक है। और क्या बताना है इसका रिमाइंडर, क्या पता करना है इसका रिमाइंडर, इस रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट। ये समझ में आया, इस रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगा यूनिट डिजिट, वो रिमाइंडर यूनिट डिजिट नहीं होगा, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को यूनिट डिजिट मिलेगा, ठीक है ना। कैसे मिलेगा भी देखते हैं अपन, ठीक है। तो रिमाइंडर पता करना है, पावर को डिवाइड करना है किससे, साइक्लिसिटी से, ठीक है। देखिए अब जैसे कि मान लीजिए मेरी साइक्लिसिटी होती है कितनी, 2, तो आप 2 से डिवाइड करोगे, पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 0 आ सकता है, ठीक है। पावर को मैंने किससे, 2 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि साइक्लिसिटी 2 है, अगर 2 है तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 1 या तो 0। रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब क्या है, पावर क्या होगी, ऑड होगी। अगर रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब पावर क्या होगी, इवन होगी। अगर पावर ऑड हुई और इवन हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट डिजिट क्या क्या होंगे, तो वो देख लेते हैं। वो 4 और 9 के रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, 4 और 6, 9 के रिस्पेक्ट में होंगे 9 और 1, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल है, ये जो 0 रिमाइंडर आ रहा है वो एक्चुअली क्या है, रिमाइंडर 2 है, 2 रिमाइंडर या फिर 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर। तो जब 1 रिमाइंडर आता है तो मैं 4 की पावर 1 की यूनिट डिजिट देखता हूँ, जब रिमाइंडर 0 आता है तो 4 की पावर 2 का यूनिट डिजिट देखता हूँ। तो 4 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना, 6। 9 हुआ तो 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 9, और 9 का रिमाइंडर 0 हुआ तो 9 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना, 1, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरी साइक्लिसिटी कितनी हुई, 4 की हुई, ठीक है, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, वो हो सकते हैं 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, और वो हो सकता है 4 या फिर 0, क्या हो सकता है, 0, ठीक है। अब उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या किस किस का देखूं, 2 का अगर देखूं तो 2 की अगर रिमाइंडर 1 आया तो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2, अगर रिमाइंडर 2 आया तो 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 8, और रिमाइंडर 0 आया या 4 आया तो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना, 6, ठीक है। सेम मैं किसके लिए देखूं, 3 के लिए देखूं तो 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1, ठीक है। अगला वाला क्या है, 7, तो 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 7, 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 3, और 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना, 1। 8 के केस में
तो 8 के केस में देखूंगा तो 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 2 और 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना 6। ये मेरे होंगे रिमाइंडर्स या फिर ये होंगी मेरी क्या यूनिट डिजिट, कौन कौन सी ये वाली। ठीक है, तो ये मेरी बन रही है टेबल। ये किसके लिए है, जब मेरी साइक्लिसिटी क्या होगी 4 होगी, तो मेरे सारे यूनिट डिजिट कवर हो गए, है ना, सारे यूनिट स्पेस कवर हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यही प्रोसीजर था मेरा, ठीक है। अब ये प्रोसीजर हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, है ना, क्योंकि काफी लेंदी सा लग रहा है, लेकिन एक बार आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई तो आप फटाफट कर लोगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 8 की पावर 1745, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी, मैं चेक करूंगा ये नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। ये तो मेरी पहली स्टेप थी। देखिए ये रही पहली स्टेप, चेक यूनिट डिजिट ऑफ एन, इसमें एन का यूनिट डिजिट चेक कीजिए। तो एन का यूनिट डिजिट कितना है 8। उसके बाद में इसकी साइक्लिसिटी पता कीजिए, तो 8 की साइक्लिसिटी कितनी है, 8 की साइक्लिसिटी है 4, तो 4 आ गया। उसके बाद में पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है और क्या बताना है, रिमाइंडर। तो 1745 को 8 से डिवाइड करना है और क्या बताना है, रिमाइंडर, सॉरी 4 से, साइक्लिसिटी कितनी है 4। अब 4 से डिवाइड किया तो भाई 4 के लिए जो वो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो लास्ट के 2 डिजिट होता है, पूरी पावर को डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, 45 को डिवाइड करने की जरूरत है। 45 को किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1, या आया रिमाइंडर 1। अब 1 रिमाइंडर की करस्पॉन्डिंग साइक्लिसिटी 4 हो और रिमाइंडर कितना हो, 1 हो, यहां पे लिख देता हूं ये क्या है, रिमाइंडर्स। ठीक है, तो ये है रिमाइंडर्स। ठीक है, ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 1 है और यूनिट डिजिट कितना है मेरा 8 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 8 का ये जो होगा नंबर वो क्या होगा, 8। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, सेम अगर मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए 32 की पावर 5355, ऐसा कुछ है। सबसे पहली स्टेप क्या, चेक यूनिट डिजिट ऑफ एन, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2। इसकी साइक्लिसिटी, 2 की साइक्लिसिटी 4, 4 से डिवाइड करना है पावर को और क्या बताना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बताना है 5355 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब लास्ट के 2 डिजिट, सॉरी 4 है ना, 4 है मेरा, साइक्लिसिटी 4 है। 55 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3। ठीक है, अब यूनिट डिजिट क्या थी, 2, 2 के करस्पॉन्डिंग 3 रिमाइंडर का यूनिट डिजिट कितना है, 8। तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना आ गया, 8। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए भी और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, इसको आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, एक अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, यही बेसिक स्टेप्स हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अपन बहुत अच्छे प्रॉब्लम इस पे करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं यार, ये जो मेथड है ये बहुत अच्छी मेथड है। डेफिनेटली आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आपको ये मेथड एक बार समझ में आ गई तो। ठीक है, इससे भी थोड़ी शॉर्ट और लॉन्ग मेथड होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड मेरे को बहुत अच्छी लगी है, और इससे जो कुछ अच्छे प्रॉब्लम होते हैं कई बार इनको क्रैक करने में दिक्कत आती है, इस मेथड से हो जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, आगे एग्जांपल्स देखते हैं।